हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता था कि लास्ट टाइम हमने कैफी को एशियन के ऊपर रिपेयरिंग का ट्रेनिंग दिया था। तो हमारे एक फ्रेंड है, लास्ट टाइम उन्होंने बताया भी था कि काफी लोग इस ट्रेनिंग को देख के खुद रिपेयर कर पाएंगे, अगर उन्हें सोल्डिंग या डिसोल्डिंग कुछ भी नहीं आता है तो विदाउट सोल्डिंग डिसोल्डिंग के कैसे वो लोग मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर या लैपटॉप स्टोर में जाके रिपेयरिंग करा सकते हैं, जैसे हमने वीडियो में बताया था। जो हमने कोर्स ट्रेनिंग कोर्स 900 रुपीज में ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप के थ्रू से दे रहे हैं हम लोग आपको, वो ट्रेनिंग देके आप लोग सारा कुछ सीख सकते हैं और डायरेक्टली सोल्डिंग आई या ना आए कहीं से भी रिपेयर करा सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर से। तो ऐसे ही हमारे एक फ्रेंड, हमारे एक दोस्त आए हैं काफी दूर से, वो बताएं कि उनका इंट्रोडक्शन मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो इस वीडियो के बाद अब सेम कैफी को एशियम जो डेड हो गया था उनका, ठीक है, बट गाड़ी पे डेड है, बट यहाँ ऑन टू टेस्ट हो रहा है, चेकलेट आ रहा है मगर थोड़ा फिकलोग कट जा रहा है, बट गाड़ी पे नहीं आ रहा है, गाड़ी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसी में गाड़ी पे ऑन नहीं हो रहा है, फ्यूल पंप नहीं चल रहा है, गाड़ी स्टार्टिंग इशू हो रहा है। 2 मंथ से एशियन सर के पास पड़ा होता है, सर ने वीडियो देख के फिर इसको यहाँ रिपेयर और ट्रेनिंग लेने आया, जो कि हमें उन्हें अभी बताएंगे कैसे वो इतना दूर ना आगे कैसे वो ट्रेनिंग लेके वहीं का वहीं रिपेयर कर सकते हैं। इंस्टेंट हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे और वो खुद करके इसे सॉल्व करके जाएंगे। तो हम सर से पूछते हैं, सर कहाँ से आए, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाय, मैं विजय कुमार साहू, एक्चुअली मैं पालोरड़ा ऑन गोल ओडिशा से आया हूँ। तो हमारा एक वर्कशॉप है वहाँ पे, विजय ऑटोमोटिव करके पालोरड़ा में। तो ये मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है, ऑलरेडी इस अराउंड 2 ईयर्स एक्चुअली ये हो चुका है। बट या हमारा बहुत प्रॉब्लम आता है कि ईसीएम वगैरह में जो गाड़ी वगैरह आता है तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो हमने देखा कि यूट्यूब वगैरह से जो इंडियन ऑटो मोबाइल डॉक्टर ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो वहाँ पे ये एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, सो दैट वी कैन राइट टू आवर आवर सेल्फ दिस ट्रेनिंग एंड ऑल। सबसे पहली बात है, सर एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके बावजूद भी इंजीनियर होने के कारण हम लोग जानते हैं कि इंजीनियर जो होता है ऑलराउंडर होता है, और डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ भी हो कर सकते हैं, इंजीनियर मीन्स ऑलराउंडर। तो ऐसे ही सर इंजीनियर होते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमोबाइल में एंटर कर चुके हैं और काफी अच्छा सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हमने उनका रिव्यू लिया था। तो अभी इसी रिलेटेड इशू जो हो रहा था कि काफी लोग अगर इसको रिपेयर करते हैं 8 से 9 हज़ार रुपये ले लेते हैं, फिर इतना जो फ्यूल कॉस्टिंग आना जाना 1000 2 हज़ार रुपये, इतना रुपए खर्च करने से बेहतर है खुद स्किल को और स्किल्स लेवल से सीख के खुद वहाँ वो कर सकते थे। तो अभी हम उन्हें सिखाएंगे, नेक्स्ट टाइम कोई भी इशू आता है तो वो वीडियो देख के या जो हमसे सीखेंगे वो वहाँ जाके खुद से करके हमारा टेक्निकल सपोर्ट लेके पूरा ईसीएम रिपेयरिंग 100% कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ईसीएम रिपेयरिंग का। जैसे कि मैंने बताया था ये कैफिको का ईसीएम है, ठीक है, कैफिको एशियम में, जैसे कि हमने बताया था कैफिको एशियम में i10 i20 का। तो इसमें ज्यादातर इशू आता है कि स्टेरिंग हार्ड हो जाता है, स्टेरिंग हार्ड होने के बाद या चेकलाइट नहीं आता, कोई पंप नहीं चलता, इन सारी चीजों का इशू हमने उस वीडियो में बताया था, जो वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, मैं लिंक में सेंड कर दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल में रिसेंटली अभी 2 3 दिन पहले ही हमने अपलोड किया था, वहां पे इसका पूरा प्रोसेस है। अगेन हम इजी वे से इस रियल कोड को देख के हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जब स्कैनिंग डायग्नोसिस नहीं हो पाता ऑन टेबल हम लोग टेस्ट करेंगे। ऑन टेबल टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कैपिको एशियम में दोबारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कॉबर लगा होता है, काफी लोग कॉबर को जब डिस्पेंडल करते हैं गलती क्या करते हैं, जब भी आप उसको डिस्पेंडल करो नॉट निकालने के बाद कंप्लीटली उसे जब स्क्रू ड्राइवर या माइनस से आप निकाल दो तो देख के उसको प्रेशर डालिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग माइनस पुट करते हैं स्क्रू ड्राइवर हो या कोई भी आप टूल से आप एंटर कर उसे फाड़ते हो तो कभी क्या होता है आइसिंग लग जाता है, कभी बोर्ड स्क्रैच हो जाता है, कभी यहाँ पे एक मार्किंग आ जाती है जिससे कि आपका ट्रैक कट हो सकता है। तो उसको आहिस्ता से थिनर दे के आपको भिगाना है, थिनर दे के 5 मिनट छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा लूज हो जाएगा, उसके बाद आप उसको आराम से डिसमेंटल कर सकते हो। डिसमेंटल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में, जो वीडियो नीचे लिंक में दिया गया है उस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने बताया था स्मार्ट बोर्ड पे कैसे इसको हम लोग ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके नीचे इसके पीछे तरफ कैपेसिटर है तो उसका कनेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से ट्रैक क्या काम होता है, पूरे डिटेल्स में पिन आउट से हमने उस वीडियो में बताया था। फिर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर नीचे एक प्लास्टिक होता है वो गर्म होने के रीजन से ये जो पैसेज है जहाँ से करंट फ्लो करता है पावर एसी से निकलता है और एमसीयू में जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है दोनों होल्स में। ज्यादातर कैफिको एशियम में 99% जो एशियम आता है हमारे पास यही फॉल्ट होता है कि इसके नीचे जो कैपेसिटर और प्लास्टिक निकल के ये होल्स ब्लॉक कर देता है, ये पाथ ब्लॉक हो जाता है जिससे कि करंट पास नहीं करता और ये दिक्कत दिखाता है। अभी हम ऑन टेबल टेस्ट करते हैं, अब ये देखिए चेकलेट आ रहा है बट कुछ ही वक्त में ये कट ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा की वजह से कि व्हीकल स्टार्ट, देखिए जैसे ऑन ऑफ अभी हुआ कट ऑफ हो गया,
जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि हमारा ईसीएम काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ज्यादा मेहनत कुछ नहीं लगता है, हमें इसे बस डिसमेंटल करना है, मैंने सही है। जैसे कि कैपेसिटर है ठीक है, तो इसी के नीचे ही ये ब्लॉकेज हो रहा है, यहाँ से पावर नहीं जा पा रही, पावर ब्लॉक हो रहा है। क्यों? इसके नीचे देखिए प्लास्टिक है, जब भी इसे हीट होता है ज्यादा वक्त तक रन करता है, 4 साल 5 साल या 3 साल होने के बाद में क्या होता है कि ओवरहीट होने के कारण यहाँ पे पिघल के जो प्लास्टिक यहाँ पे जो पार्ट है वो होल ब्लॉक हो जाता है, जिससे करंट फ्लो नहीं होकर एमसीयू को सही से ऑन नहीं कर पाता है। और सिस्टम आईसी भी कनेक्टेड है इसमें, जिससे कि कोई पंप नहीं चलेगा, आपका स्टेप आउट नहीं, हार्ड हो जाता है, चेकअप भी नहीं आता है, कट स्टार्ट नहीं होती। तो इसे हम लोग अभी रिजॉल्व करेंगे कि आपका पावर आईसी सिस्टम आईसी ये है एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर, तो इससे ही सारा सिग्नल जाता है, सारे सेंसर्स को सिग्नल आना जाना जो करता है, सिग्नल जाता है और आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर भी इसको कंट्रोल करता है और उस हिसाब से कौन सा कोइल पंप ऑन कराना है, कौन सा एक्चुएटर नहीं, जितने भी एक्चुएटर है उसको ऑन कराना, एक्टिव कराना, डीएक्टिव कराना, ये पूरा सिस्टम ऐसे करता है। और पावर इसके थ्रू से जितने भी सेंसर का, जैसे कि टू पिन होता है, रेफरेंस वोल्टेज होता है, सिग्नल है ग्राउंड, ग्राउंड को कैसे मिल जाएगा, बट जो रेफरेंस वोल्टेज है सेंसर का वो पावर से जाता है और जो सिग्नल है वो यहाँ से जाता है। ये क्लियर हो जाइए, तो अभी हम लोग इसको भी क्लियर करते हैं और इसे रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे ब्लो लगाना है क्योंकि साइड में जो रजिस्टर है, कैपेसिटर छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, वो भी लोअर के प्रेशर से क्या होता है ना, वो कंपोनेंट अपने जगह से गिर जाती है और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अभी डिस्प्ले हो चुके हैं, अभी देख सकते हैं हम लोग नीचे कितना गंदा पड़ा हुआ है, ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, अभी हम लोग क्लीन करेंगे, क्लीनर से क्लीन करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, उसका ट्रैक भी यहाँ पे डैमेज हुआ है, दूसरा ट्रैक डैमेज हो गया है, एक तीसरा, एक दो तीन, ये तीन ट्रैक डैमेज हो चुका है और ये ब्लॉकेज का इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग इसे ट्रैक भी कर देंगे, उसके बाद काफी चीज को करेंगे। जैसे कि हमने अभी ट्रैक रिपेयर कर दिया है, यहाँ देखिए ट्रैक रिपेयर हो चुका है, अभी हम लोग इसे स्मार्ट बोर्ड में दिखाएंगे, स्मार्ट बोर्ड में को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैक कट गया था, हमने उसे रिपेयर कर लिया है 100%। अभी हम लोग इसे ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे कि ये ईसीएम ओके हुआ है कि नहीं। कुछ देर तक ऑन कर रखेंगे क्योंकि ये कॉटअप का जो इशू था, दोबारा कॉटअप हो रहा है कि नहीं वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे। अगर कॉटअप नहीं हो रहा है तो हमारा ईसीएम 100% रिपेयर हो चुका है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिस्टम आईसी से भी दिक्कत जब होता है तो ऐसा इशू होता है कि कोइल पंप नहीं चलता है, बट इस केस में क्या है कि आपका पावर आईसी से पावर नहीं जा पा रहा था एमसीयू को ऑन करने के लिए, अभी ये 100% सक्सेस हो चुका है क्योंकि अभी तक कटअप नहीं हुआ है। तो ऐसे करके आप ऑन टेबल चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग व्हीकल में अभी इसी तरह ईसीएम लगाते हैं तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था ये 100% रिजॉल्व हो चुका है। तो जैसे कि हमने दिखाया आपको रिपेयरिंग हो चुका है, तो सर को पूछते हैं कैसे लगाओ, कितने टाइम के अंदर हो गया और कितना आसान काम था जो वो पहले समझ ही नहीं पा रहे थे, तो अभी सर से बात करते हैं। हाय, मुझे तो लग रहा था बहुत कॉम्प्लेक्स है, ओके, लेकिन जब मैंने देखा कि टेक्नीशियन कह रहा तो ये मतलब 15 मिनट से कम में हो गया ये चीज़, लेकिन हमारे लिए तो ये तो मतलब नाइटमेयर था कि 3-4 दिन से मतलब पड़ा था ये, तो हम सोच भी नहीं सकते थे क्या करेंगे। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, या थैंक यू। तो ठीक है, तो सर का तो हो गया, अभी हम लोग इसे देखते हैं, फिट कराते हैं, असेंबली कर देते हैं। तो आगे किसी भी तरह का अगर ईसीएम ट्रेनिंग चाहिए तो आप जैसे कि हमने बताया नीचे दिए गए लिंक पर जाके आप 900 रुपीज में वो ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू से, जिसमें कि आपका बेसिक एंड एडवांस जो भी ट्रेनिंग है उसमें दिया गया है। उसके साथ अगर आपको सोल्डिंग डिसोल्डिंग नहीं भी आता है तो भी आप कैसे ईसीएम रिपेयर कर सकते हैं सर की तरह। तो अभी हम लोग अभी इसे इस सेशन क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में।